नमस्कार, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर मनिंद्र नाथ ठाकुर हैं। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग में प्रोफेसर हैं। आप उन अकादमिक चिंतकों में से हैं जिन्होंने क्लासरूम के शिक्षण को जमीन की मूल समस्याओं से और उनकी ज्ञान मीमांसा से सीधे रूप में जोड़ा है। आपके अध्ययन और शोध का मुख्य विषय धर्म और राजनीति के बीच के अंतर संबंध और अस्मिता की राजनीति रही है। उपरोक्त संदर्भ में आज हम प्रोफेसर ठाकुर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक और जो नए घटनाक्रम हुए हैं उसको उनकी शोध से और उनके विचारों से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। सर, हम लोग उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर कुछ सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। हमारा पहला सवाल है कि चुनावों की उदारवादी राजनीति में एक विशेष भूमिका होती है, ऐसे में भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश में क्या लोकतांत्रिक प्रणाली और संस्थाएँ सुचारू ढंग से काम कर रही है? काफ़ी हद तक सुचारू रूप से काम कर भी रही हैं। मतलब फॉर्मल डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी जब बात करें तो एक हद तक ऐसा लगता है कि काम कर रही हैं, लेकिन संस्थाओं का जितना डीपनिंग होना चाहिए सोसाइटी के अंदर वो नहीं हो पाया है। यानी कि समाज में जिस तरीके से जनतांत्रिक संबंध होना चाहिए और उसका जैसा संस्थागत स्वरूप होना चाहिए वो हमें नहीं दिखता है। चुनाव में जिस तरीके से लोग अपना चॉइसेस करते हैं, यदि उसको आप गौर करें तो कई बार उसमें जनतांत्रिक नॉर्म्स कम पाए जाते हैं और कुछ दूसरे प्लेयर्स बहुत सारे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं या जो लोग देखना चाहते हैं उनको दिखते भी हों। तो ऐसा कहना कि जो लोग इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, जो कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, मुझे उसमें थोड़ा शक लगता है। जिसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि यदि कोई समाज बहुत जनतांत्रिक है और संस्थाएं जनतांत्रिक ढंग से काम कर रही हैं तो वैसे समाज में पब्लिक लिंचिंग जैसी चीज़ नहीं हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से पब्लिक लिंचिंग की संख्या बढ़ी है भारत में, वो हमें लैटिन अमेरिका में जब फैसिज्म आया था उसकी याद दिलाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी का कारण मुझे लगता है। सर, हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये चुनाव आज के दौर के प्रभावशाली विपक्ष जो दक्षिण पंथ से प्रभावित हैं को किसी प्रकार से चुनौती दे पाने में सफल होगा? उम्मीद तो की जाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भारत की आगे की राजनीति के लिए नियामक होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के समीकरण अभी बने हैं उसमें ऐसा लगता है कि दक्षिणपंथी राजनीति की तरफ लोगों का झुकाव थोड़ा कम भी हुआ है। एक तो इतने दिनों की सत्ता में दक्षिणपंथी पार्टी का जो प्रभाव रहा है, आमतौर पर ऐसा लगता है कि लोगों में बहुत उम्मीद जगी है, लेकिन वो शायद वही लोग हैं जो उनके ऑलरेडी सपोर्टर्स हैं। जो सपोर्टर्स नहीं हैं उनमें खींच पाना इस उम्मीद के बल पे होना बहुत मुश्किल है। तो यदि जो इनके सपोर्टर नहीं हैं वो आपस में ठीक से मिलकर गठबंधन करके काम करेंगे तो इस बात की संभावना बनती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही नियामक होगी। सर, आमतौर पर देखा गया कि तीसरी दुनिया के देशों में धर्म और राजनीति के बीच का संबंध बेहद जटिल है। इसका मुख्य कारण क्या है? भारत के संदर्भ में और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में धर्म की क्या भूमिका होगी? धर्म और राजनीति का संबंध तो पहली दुनिया में भी जटिल ही है। इस बार तो हमने अमेरिका के चुनाव में भी देखा, या और जगह भी यदि गौर से आप देखेंगे तो धर्म और राजनीति का संबंध अभी भी जो आधुनिक राजनीति है इसमें जटिल है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कठिनाई इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश भारत के दक्षिणपंथी राजनीति का गढ़ रहा है, जहाँ की राम जन्मभूमि भी है और उसके इर्द गिर्द बहुत राजनीति हुई है। तो इस बात की संभावना है इस बार भी कि जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो उसके आसपास मुद्दों को जमा करेंगी, और अभी हाल में 2013 में वहाँ एक दंगा भी हुआ था, उससे भी धार्मिक भावनाएं भड़की थीं। तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है धर्म के आसपास वो उत्तर प्रदेश में एक रोल प्ले कर सकती है। लेकिन क्या इसको हम कहेंगे धर्म की राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, ये कहना थोड़ा कठिन है। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो कुछ भी हो सकता है। कभी कास्ट आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में ये आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स डोमिनेंट है,
तो एक आइडेंटिटी, एक अस्मिता दूसरे अस्मिते को काटने की कोशिश करती है, यही मुझे लगता है वहाँ चल रहा है। सर, क्या भारत में लोकतांत्रिक चुनाव समूह का प्रतिभागिता और उनकी अस्मिता को आकार दे पाने में ज़्यादा सहज है, और इस तरह से एक व्यक्ति को एक वोट के उत्तरवादी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को खारिज करता है? ये सच है कि भारत में रजनी कोठारी भी कहते हैं कि यहाँ की जो जनता जनतांत्रिक प्रणाली है, इस प्रणाली में जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहे हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है। जैसे जातिगत कम्युनिटीज़ भी जो हैं उसके उसके रास्ते ही यहाँ जनतंत्र समाज तक पहुँचा है, तो उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन ये भी कहना बहुत कठिन है कि जो वन पर्सन वन वोट है उस सिद्धांत को खारिज कर दे रहा है भारत, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो कम्युनिटी इक्वेशन के हिसाब से हमें राजनीतिक रिजल्ट निकलना चाहिए चुनाव का, वो नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में हम कहीं घूमते हैं, और वो निर्भर करता है कि उस समय मुद्दा क्या है। तो कई लोग कहते हैं कि भारतीय राजनीति में जनता बिना सोचे समझे वोट करती है, कम्युनिटी लाइन पर वोट करती है, ऐसा भी कहना बहुत कठिन है। समय समय की बात है, और जागरूक जनता ये डिसाइड करती है। कई बार जनता जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती है, तो वो लोगों को पता नहीं चल पाता कि जनता सोच क्या रही है। क्या भारतीय राजनीति के जो स्थापित मानदंड थे, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता, वे बदल रहे हैं? इसका नया अवतार क्या है? आगामी चुनावों में आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में अभी थोड़ा उथल पुथल का चीज़ें बदल रही हैं। जैसे जैसे पूंजीवाद की जड़ें यहाँ गहरी हो रही हैं, वैसे वैसे राजनीति के मापदंड भी बदलेंगे और हमारे आइडियल्स भी बदलेंगे। जिस तरीके से डेवलपमेंट मॉडल को लेके अभी बातें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में लें जैसे अखिलेश के प्रचारों को आप देखें तो अपने डेवलपमेंट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। जो अभी उनका पारिवारिक झंझट भी हुआ है उससे भी ऐसा लगता है कि बहुत प्लान्ड वे में डेवलपमेंट मॉडल को हाईलाइट करने के लिए, और जो पुराना मॉडल था उनको जाति का और इसका उसको डंप करने की कोशिश करने के लिए, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में वही ये प्रयास है। ये तय है कि आने वाले समय में जो नया जनरेशन खास करके अभी राजनीति में आ रहा है या वोटर बन रहा है, उसके लिए भी नए प्रतिमान से इन्हें गढ़ने पड़ेंगे। और उसमें जिस तरीके से मोदी जी का प्रचार हुआ था 2014 चुनाव में, उस वक्त भी ऐसा लगता था कि इन्होंने प्रचार के दरमियान एक नए तरह का आइकॉन क्रिएट किया था, जो अभी भी वो आइकॉन बहुत से लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और जब अखिलेश की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसी आइकॉन की छवि हम स्टेट लेवल पे लोगों को दिखता है, तो उसके लिए लोग आगे बढ़ के जाना चाहते हैं। संभव है कि वोटिंग फिर भी जाति और कम्युनिटी पे हो, ये संभव है, लेकिन जाति और कम्युनिटी के बीच भी कंसोलिडेशन का जो आर्ग्यूमेंटेशन है वो डेवलपमेंट पे बेस्ड हो रहा है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन मुझे लगता है कि होने वाला है। 1947 के बाद भारतीय राजनीति में कुछ नए प्रतिमान बने, कुछ नई संस्थाओं का निर्माण हुआ और नए ढंग से राजनीति को रखने की बात कही गई। 1989-90 के बाद अस्मिता की एक नई राजनीति शुरू होती है और वहाँ से फिर विकास की एक राजनीति उभर कर सामने आती है। ऐसे में संस्थाओं के अंदर जो परिवर्तन हुए और संस्था और समाज के बीच का जो संबंध समय समय पर बदलता रहा, उसमें आप वर्तमान चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में और भारत में पूरी तरह से कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि 47 के बाद जो भारतीय राजनीति का स्वरूप बना गढ़ा गया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण आयाम थे, जिसमें पार्टी की संस्था एक इमर्ज की थी। पार्टी, पार्लियामेंट और प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ें आई थी। पार्लियामेंट का कहने का मतलब है जो जितने रिप्रेजेंटेशन के मॉडल्स थे जमीन तक, जमीनी स्तर तक जो थे, अभी पिछले कुछ दिनों में ये तीनों चीज़ें क्राइसिस में गई हैं। सबसे पहले पार्टी क्राइसिस में चली गई हैं। आप पार्टी में देखें कि आंतरिक चुनाव और आंतरिक सहमति और तमाम तरह के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस थे अंदर में, वो लगभग खत्म सा हो गया है। हर एक पार्टी अभी कॉरपोरेट हाउस की तरह हो गया है, उसका एक कोई CEO है, चाहे वो फैमिली का आदमी है चाहे वो पार्टी ने अपॉइंट किया हो। लेकिन पूरे भारत में लगभग सभी पार्टियों में केवल एक पोस्टर बॉय हर एक पार्टी के पास है, दूसरे लोगों का चेहरा पोस्टर पर नज़र नहीं आता है। यहाँ तक कि हाल में जो बनी पार्टी है केजरीवाल जी की, उसमें भी केजरीवाल के अलावा और किसी को आप नहीं जानते हैं। ये एक नया मॉडल है
जो कॉरपोरेट मॉडल की तरह इमर्ज किया है, और लोग जब पार्टी बना रहे हैं तो वो स्टार्टअप कंपनी की तरह बना रहे हैं। और यदि ऐसा होगा तो जो रिप्रेजेंटेशन का पूरा मॉडल था पार्टी के थ्रू, वो मुझे लगता है कि क्राइसिस में चला जाएगा और वो हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगा। नतीजा क्या होगा कि अभी अभी कोई पार्टी मेजोरिटी में आई है फिर भी लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके आइडियाज़ रिप्रेजेंटेड नहीं है उसमें। पार्लियामेंट की बड़ी समस्या होने वाली है, हो ही रही है, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं उनके अंदर लॉ मेकिंग को लेके ना तो कोई ट्रेनिंग होती है और ना ही वो लॉ मेकिंग को लेके सीरियस होते हैं। अभी किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर MLAs को लॉ मेकिंग को सीरियसली लेना चाहिए, उस वक्त वो पार्टियाँ शादी की पार्टियाँ अटेंड करने ना जाएं। तो ये पार्लियामेंट का जो लेजिटिमेसी है ओवरऑल, वो भी मुझे लगता है कि क्राइसिस में है। और बहुत सारे लॉज अब पार्लियामेंट और असेंबली के बाहर बनते नज़र आ रहे हैं। हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जैसा इंटरवेंशन है लॉ मेकिंग में, वो भी एक चिंता की बात है, क्योंकि निश्चित रूप से इसका मतलब है पार्लियामेंट लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। और प्रॉपर्टी रेजीम का भी एक बड़ा ख़तरा है, जो समाजवादी रेजीम इन्होंने सोचा था, जिसमें कि बजाबते डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये लिखा गया था कि मोनोपोली नहीं क्रिएट होना चाहिए, वो चीज़ें अब ब्रेक हो गई हैं। अभी आपने देखा जो डीमोनेटाइजेशन के बाद इम्पैक्ट होने वाला है, उसमें सबसे पहला इम्पैक्ट यही होने जा रहा है कि कुछ हाथों में मैसिव कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल होगा, कुछ खास पूंजीपतियों की पूंजी में मैक्सिमम इजाफा होगा, और छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक अब बड़े बड़े पूंजीपति सामान मार्केट में बेचते नज़र आएंगे। तो जो प्रॉपर्टी रेजीम था कि आप एक कंट्रोल्ड ओनरशिप होना चाहिए, वो मुझे लगता है ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ें नई दिशा में जाने के लिए हमें इशारा कर रहे हैं, जो जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनमानस तैयार है, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बन सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे डेमोक्रेसी को के सब्सटैंटिव और फॉर्मल स्वरूप को लेके जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस सेलिब्रेशन का समय इस वक्त नहीं है। मुझे लगता है ये क्राइसिस में जाने वाला है, और हो सकता है कि हम फ्यूचर में ज़्यादा अथॉरिटेरियन रेजीम्स को देखेंगे, स्टेट लेवल पे भी, उत्तर प्रदेश के लेवल पे भी, और केंद्र के लेवल पे भी। और जिस अथॉरिटेरियनिज्म को डेवलपमेंट के नाम पे जस्टिफाई किया जाता रहेगा,